नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का धर्म कर्म से जुड़ी बातों में आपका स्वागत करती हूं। बात करेंगे अर्जुन के बारे में। जी हां, जिनके बारे में वैसे तो काफी सारी बातें चर्चे में है, मगर आज एक और रहस्य उनसे जुड़ा हाथ लगा है, तो सोचा आपके साथ भी साझा कर लिया जाए। क्या आप लोग जानते हैं कि अर्जुन जो है उनको एक बहुत ही अनोखा वरदान मिला था कि वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अर्जुन जो है वो पानी के अंदर भी रह सकते थे। क्या था वो वरदान, चलिए आपको बताते हैं। महाभारत के अर्जुन को भगवान शिव से लेकर पिता इंद्र से वरदान में अस्त्र शस्त्र मिले थे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उन्हें ये एक वरदान कि पानी में जिंदा रह भी सकते हैं, ये वरदान किससे मिला था? पानी में जिंदा रहने का ये वरदान एक कन्या ने दिया था, और इस वरदान को देने का भी एक बहुत ही बड़ा मकसद था। चलिए आपको बताते हैं कि अर्जुन को ये वरदान किसने और क्यों दिया था। अर्जुन को ये वरदान नाग कन्या उलूपी ने दिया था, और उलूपी अर्जुन से प्रेम करती थी और बाद में अर्जुन की पत्नी भी बनी थी। उलूपी अर्जुन पर मोहित हो गई थी और उन्हें अपने साथ नागलोक ले गई थी। उस रात अर्जुन वहीं रहे और फिर सूर्योदय होने पर गंगा द्वारा यानी हरिद्वार गंगा के तट पर आ गए। उलूपी अर्जुन को हरिद्वार छोड़कर वापस नागलोक चली गई और जाते वक्त उन्हें वरदान दे गई कि वे जल में भी जीवित रहेंगे और जल चल उनके सहयोगी होंगे। बता दें कि अर्जुन की चार पत्नियां थीं, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगना और उलूपी। अर्जुन के चार पुत्र भी थे, इनमें अभिमन्यु, इरावान, वभ्रुवाहन और श्रुतिकीर्ति शामिल थे। आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई ये खास जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।